देश की परंपरा, देश की संस्कृति, योग जिसे अब दुनिया ने जाना है और साथ ही अपनाया भी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं और इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं आप। दुनिया की दिशा बनी है, उसको आगे बढ़ाने में हम सब लोग अपना योगदान करें, ऐसी आशा करता हूँ। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को आपने सुना, थोड़ी देर पहले योगासन करते हुए भी आपने उन्हें तस्वीरों के जरिए देखा और अब इंतजार उस खास कार्यक्रम का है जिस पर निगाहें सभी की लगी हुई हैं, टिकी हुई होंगी थोड़ी ही देर में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में थोड़ा डिले मौसम की वजह से हो रहा है, क्योंकि रुक रुक कर बारिश लगातार वहां पर हो रही है और बारिश इस कार्यक्रम में खलल डालती दिखाई दे रही है। लेकिन अब ये फैसला प्रधानमंत्री की तरफ से लिया गया है कि आउटडोर नहीं बल्कि अब इंडोर, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे, संबोधित करते हुए भी आपको दिखाई देंगे और अलग अलग जगहों की 8 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। देश के हर हिस्से में योग दिवस कैसे धूमधाम के साथ, पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली, हरिद्वार, कोलकाता, दार्जिलिंग की अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हैं। लेह की भी तस्वीरें हैं, लखनऊ की भी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, राजस्थान की तस्वीरें, जयपुर से जो तस्वीरें सामने आई हैं किस तरह से वहां पर योग के कार्यक्रम में लोग शिरकत कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में योग को अपनाया और क्यों लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, ये महत्व क्यों है योग का हमारे जीवन में, ये समझाने की कोशिश की जा रही है। खैर, आपको एक बार फिर लिए चलते हैं, थोड़ी देर का इंतजार बस बाकी रह गया है लेकिन ये समय अभी कितना और लग सकता है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शुरू होने में, मनोज्ञा का रुख करते हैं और जानते हैं मनोज्ञा से। देखिए आपको बता दें, दोनों ऑप्शन खोले रखे जा रहे हैं, तैयारी अभी भी की, लेकिन बाहर योग करने की पूरी तरह से खत्म नहीं की गई है ये संभावना। हालांकि अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ मनोज सिन्हा और बाकी कुछ लोग जो अंदर, क्योंकि स्पेस कम है, स्पेस एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेन है। SKICC के हॉल में आपको 500 से 1000 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं, लेकिन बाहर के पूरे इलाके में करीब 7000 से 8000 लोगों की मौजूदगी रहेगी। अब बारिश की वजह से लोगों को तो बैठाया गया है लेकिन जो मैदान गीला हो गया है, जो योगा मैट्स रखे हुए हैं और उनके सबके मद्देनजर अब कार्यक्रम की तो शुरुआत हो रही है, लेकिन अभी भी जो संदेश है वो प्रधानमंत्री का, अभी थोड़ी ही देर में उनका शुरू हो जाएगा संबोधन और उसके बाद आज, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, देखिए 10 वर्षों में ये योग की जो यात्रा रही है वो एक सिर्फ सरकारी कार्यक्रम के तौर पर नहीं है बल्कि एक जीवन शैली के तौर पर पूरे विश्व के सामने समर्पित किया गया है। 5000 वर्षों की पुरानी हमारी एक जीवन शैली को, इस जीवन शैली को अलग अलग नाम से अलग अलग समय पर, कोरोना काल के दौरान भी इसे इंडोर किया गया, परिवार के नाम पर किया गया, उसके पहले स्वास्थ्य के लिए किया गया, उसके बाद देश के लिए किया गया, योगा फॉर पीस, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, अलग अलग नाम से पूरे विश्व में हर वर्ष एक संबोधन के साथ और हर वर्ष एक जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।